हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। सो एक अच्छी न्यूज़ आई है इस साल के एंड में, आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो एक लॉन्ग टाइम पेंडिंग था, ऑलमोस्ट पिछले 1.5 साल से इसका नोटिफिकेशन नहीं आया था, सो फाइनली आ चुका है 926 वैकेंसीज़ के लिए। तो लेट्स सी इसमें क्या कुछ डिटेल्स है, इस पूरे 10 मिनट की वीडियो में सारी जानकारी रहते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की बात करें, एज लिमिट जो है वो 20 से 28 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी। तो आपका एज 20 साल पूरा होना चाहिए 1 दिसंबर 2019 को, और या फिर 28 साल तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। फॉर OBC देर इज़ अ एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। फॉर SC ST कैंडिडेट्स येस देर इज़ अ एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। और हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए या एक्स सर्विसमैन के लिए देर इज़ एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए, एनी बैचलर्स डिग्री इज़ फाइन विथ मिनिमम 50%। तो ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम होना ज़रूरी है। पास क्लास इज़ वैलिड फॉर SC ST और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट। अलॉन्ग विद दैट आपको नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन कंप्यूटर, एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी पार्ट। अगर ये आपके पास है तो आगे के डिटेल्स ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 23 दिसंबर को, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 16 जनवरी 2020। एग्ज़ाम डेट्स की बात करें, सो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है 14 और 15 फेब, इसमें से किसी एक दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। मेन्स एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन किया, लेकिन इट विल बी टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ मार्च। एप्लीकेशन डिटेल्स, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड, तो एज यूजुअल जो बैंकिंग या IBPS के एग्ज़ाम्स होते हैं, यू नीड योर पासपोर्ट फोटोग्राफ स्कैन, जिसकी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने हैं, एंड यू ऑल्सो नीड ए सिग्नेचर स्कैन। तो ये दो डिटेल्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। नाउ आफ्टर दिस एप्लीकेशन डिटेल्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स में आपके पास दिस इज़ अ वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिटेल नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन लिंक है, और हमारे ब्लॉग का लिंक हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके लिए शेयर किया है। एप्लीकेशन फीस जो है दैट इज़ ₹450, और ₹50 फीस रहेगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सो एक बार वापस बता देता हूँ, एप्लीकेशन फीस ₹450 है, इट इज़ फॉर ₹50 फॉर SC ST कैटेगरी एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप और एक सर्विसमैन पीपल। सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट्स में है। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम फेज 1। सो जस्ट लाइक एनी अदर क्लरिकल एग्ज़ाम ऑफ बैंकिंग, वेदर इट्स IBPS, SBI और RBI, आप देख सकते हो ये 100 मार्क का टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 1 घंटे का टेस्ट है, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सेक्शंस हैं। इसके क्वेश्चंस आपके सामने, इसका क्वेश्चन का काउंट नज़र आ रहा है, और हर एक सेक्शन का एक सेक्शनल टाइम लिमिट है। सो 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, दैट इज़ अ टाइम लिमिट फॉर एवरी सेक्शन। टोटल ड्यूरेशन इज़ 1 आवर। नाउ देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो फॉर द रॉन्ग अटेम्प्ट। आपके हर एक गलत आंसर को 1/4 या 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगा, और यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ्स भी रहेंगे। सो यू हैव टू गेट सर्टन मिनिमम मार्क्स इन ईच सेक्शन। अलॉन्ग विद दैट देर इज़ ओवरऑल कट ऑफ ऑल्सो। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सो अगर आप फर्स्ट राउंड में क्वालिफाई कर रहे हो, देन यू गेट द कॉल लेटर फॉर द नेक्स्ट राउंड, दैट इज़ मेंस एग्जामिनेशन। तो वो फेब एंड या मार्च के बिगिनिंग तक वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप क्वालिफाई हो रहे हो। तो सेकेंड फेज है, सेकेंड राउंड इज मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन यू कैन सी नाउ देर आर 5 सेक्शन। तो प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस थे, वो 3 सेक्शंस आपको वापस मिलेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके अलावा आपको एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन मिलेगा और कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन मिलेगा। सो दीज आर द टोटल 5 सेक्शंस, और अगेन हर एक सेक्शन को 40 मार्क है, 40 क्वेश्चन है, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क है। ड्यूरेशन जो है हर एक का, सेक्शनल टाइम अलॉटमेंट जो है वो डिफरेंट है, जो आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहा है। इसके साथ टोटल टाइम लिमिट जो है वो 135 मिनट्स का है। एंड जस्ट लाइक द प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यहाँ पर भी हर एक गलत आंसर को आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, जो रहेगा 1/4 या 0.25 मार्क्स। सो इफ़ यू क्लियर द मेन्स एग्जामिनेशन, देर इज़ 1 मोर एक्स्ट्रा टेस्ट, दैट इज़ लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट। दिस इज़ मोर ऑफ लोकल लैंग्वेज प्रोफिशियंसी टेस्ट। तो आप जिस किसी डिवीजन में अप्लाई कर रहे हो
उस लोकल या जोनल ऑफिस का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको पता होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मुंबई जोन, सो फॉर मुंबई ऑफिस लोकल लैंग्वेज मराठी या फिर कोंकणी, ये दो लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है. एंड येस, देर विल बी अ क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर दिस. सो दिस इज़ अ मैंडेटरी थिंग. और अगर आप मेन्स एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो लेकिन आप लोकल लैंग्वेज टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आप कंसिडर नहीं होने वाले हो. सो ये पॉइंट प्लीज़ क्लियर कर लेना. सो यू विल नीड टू क्वालिफाई द लोकल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ एवरी स्टेट. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बेंगलुरु के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बेंगलुरु में जो कन्नड़ा लैंग्वेज है वो पता होना ज़रूरी है. सेम मुंबई में मराठी लैंग्वेज पता होना ज़रूरी रहेगा. नाउ वन मोर थिंग इज दिस, कि ये क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है तो इसका स्कोर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होगा. लेकिन क्वालिफाइंग का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि अगर उन्होंने 40% मार्क्स रखे क्वालिफाइंग के लिए तो आपको 40% मिनिमम निकालना पड़ेगा. किसी ने 60% निकाला तो उसको कोई एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज नहीं मिलने वाला, बट या फिर वो स्कोर आपको मेरिट रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा. बट मिनिमम 40% निकालना ज़रूरी रहेगा. ये मतलब होता है क्वालिफाइंग नेचर का. सो मेंस एग्ज़ाम के बाद ये टेस्ट मैंडेटरी है क्लियर करना हर किसी के लिए. फाइनल सिलेक्शन, तो जो बात मैंने पिछले स्लाइड में बताई कि फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑब्टेंड इन मेंस एग्जामिनेशन. तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग था ये एग्ज़ाम, और मेंस एग्ज़ाम का स्कोर सिर्फ काउंट होने वाला है. आपका जो LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग रहेगा. और जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है प्रीलिम्स के बाद या फिर मेंस के बाद, उनका लिस्ट जो है वो ऑफिशियली RBI के वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा. सैलरी, पैसे की बात कर ले तो पैसा कितना मिलेगा. सैलरी बेसिक पे इट्स 14,650 पर मंथ, लेकिन सारे डिफरेंट अलाउंसेस वगैरह के साथ आपका जो ग्रॉस सैलरी जो है वो 36,091 पर मंथ हो जाएगा. सो इसके साथ आपको बाकी के अलाउंसेस भी मिलेंगे. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिलेबस. इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, तो फिलहाल हमने सिर्फ फेज़ वन का सिलेबस आपके लिए इस वीडियो में मेंशन किया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी. सो दीज आर द टॉपिक्स. इसमें जो बोल्ड में टॉपिक है आई विल रिकमेंड कि दीज आर इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट टॉपिक्स, तो इसका प्रिपरेशन ज़्यादा करना और इसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं और इसमें स्कोरिंग भी अच्छा करना पॉसिबल रहेगा. दिस इज़ फॉर मैथ्स. रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये जो टॉपिक्स है जैसे कि कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, दीज आर इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंट टॉपिक्स, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का मौका रहेगा. एंड सेम अबाउट इंग्लिश, सो द टॉपिक्स इन बोल्ड, इसके क्वेश्चन भी ज़्यादा मिलेंगे और इसमें स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा रहेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस फॉर फेज़ वन. फेज़ टू का ये तीन सब्जेक्ट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और जो एग्ज़ाम के बाकी की डिटेल्स है जैसे स्टडी मटेरियल और पढ़ाई कैसे कुछ करना चाहिए, उसके लिए हम अगली वीडियो में आपके लिए कुछ ज़्यादा जानकारी लेके ज़रूर आएंगे. तब तक के लिए बाय बाय.